सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल में घोर अनियमितता के खिलाफ परिवाद दर्ज, क्या कहते हैं समाजसेवी शंभू मंडल, देखें इस रिपोर्ट में। समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जिलों में जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आगामी 10 फरवरी को पूर्णिया के धमधा प्रखंड अंतर्गत विशनपुर में मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ है, जबकि बिहार में सात निश्चय योजना के तहत सभी जिलों में हर घर नल का जल लगाया गया था। इस योजना में घपला को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कुमार द्वारा एक परिवाद उच्च न्यायालय पटना में दिया गया है, जिसका वार्ड संख्या CWJC नंबर 8115/2021 है। इसी परिवाद को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शंभू मंडल ने पूर्णिया आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि विशनपुर के बगल में कसमरा गांव का निरीक्षण करने की मांग करते हुए कहा कि हर घर नल का जल योजना की क्या हकीकत है, यहां से सब मालूम हो जाएगा। यह योजना केवल संवेदकों को मालामाल करने के लिए संचालित किया गया है। आइए देखते हैं इस खबर में क्या कहा है शंभू मंडल जी ने। ये आवेदन है, जनहित याचिका दायर हुई है पटना उच्च न्यायालय में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जल नल योजना जो है उसका चहेता योजना है, उन्होंने इस योजना को बड़े पैमाने पर बिहार में लागू किए, लेकिन इस योजना में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा गोलमाल है, जो कि इसका जो हमने जो हमारे एक मित्र हैं नवीन जी, उन्होंने दायर किया है, जो जिसका संख्या है CWGC नंबर 8115/2021। और इसमें जो है हमने पार्टी बनाया है, इसको जो पार्टी बनाया गया है द स्टेट ऑफ बिहार थ्राउट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PhD बिहार पटना, इंजीनियर इन चीफ कम स्पेशल सेक्रेटरी PhD गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूर्णिया, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कटिहार, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशनगंज, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अररिया, द चीफ इंजीनियर PhD पूर्णिया सर्किल पूर्णिया, द सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर PhD पूर्णिया सर्किल पूर्णिया, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर PhD पूर्णिया, द एक्सिक्यूटिव इंजीनियर PhD कटिहार, द एक्सिक्यूटिव इंजीनियर PhD किशनगंज बिहार, द एक्सिक्यूटिव इंजीनियर PhD अररिया। हमने इसलिए इसको दायर किया कि यह जल नल योजना जो है, इस जल नल योजना में बड़े पैमाने बहुत बड़े पैमाने पर जो पशुपालन घोटाला है उससे भी बड़ा घोटाला है, इसमें कहीं कुछ नहीं धरातल पर। आम जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं बिशनपुर में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आकर के एक बार नीरपुर पंचायत के कसमरा गांव को विजिट कर ले, जल नल योजना क्या है, बगल में काझा जो आने वाला कार्यक्रम को कैंसिल किया, काझा और गणेशपुर यहां भी देखते तो सच्चाई सामने होता, उसके आँखों के सामने सारे डिपार्टमेंट उनके आँखों में धूल झोंक रहे हैं, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है। मुख्यमंत्री महोदय को इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए कि जब इतनी बड़ी मामला है, जब जनहित याचिका दायर हुई तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, कि हमारा सबसे सफल कहीं नहीं है, टाइट है, फिश है, ये कहीं धरातल पर नहीं है, पीला पानी निकलता है, पीने लायक नहीं है, दुर्गंध होता है, इसमें जो इसका मानक है उस मानक का विपरीत सारे पाइप लगाया गया, जाँच कर FI मार्का होनी चाहिए इस पाइप में, कहीं FI मार्का पाइप में नहीं है, ये सिर्फ व सिर्फ लूट का अड्डा है, अपने लोगों को चाहते लोगों के सारे विभाग के लोग जो हैं योजना दिया, और उस योजना में अरबों खरब रुपया का जो है पब्लिक के पैसा का दुरुपयोग किया गया है। इसको स्थानीय स्तर के जो प्रशासनिक हैं क्या वो निगरानी नहीं करते हैं, वो देखते नहीं है? वे सब कमीशन खाते हैं, वे सब पैसा लेते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, हुआ है, जो धरातल पर है, सच्चाई जाँच हो जाए, हम तो कहते हैं किसी जाँच कर ले, जाँच करने के बाद सच्चाई सामने होगा। ये कमिश्नरी लेवल पर पूरे समस्या है, पूर्णिया कमिश्नरी में ही नहीं, कोफी जोन में, इस जोन में सीमांचल और कोफी में ये बड़े पैमाने पर हुई है। इसमें यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कोई अपने सच्चाई सामने है कि डिप्टी CM रह चुके हैं तारकेश्वर जी, उनके बेटा के नाम से, उनके पुतौह के नाम से ये योजना चलाया गया है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पूर्णिया में भी अगर जाँच हो जाए तो यहाँ भी जो है क्या कहते हैं यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता यहाँ से योजना चला है। ये तो आपका आरोप है, इनका तो खंडन कैसे हो सकता है? वो तो वही लोग बताएंगे, ये तो इसमें तो हमने तो पार्टी बनाया चीफ सेक्रेटरी, सारे लोगों को लिखित है, इसमें कहीं ऐसी बात तो नहीं कि इसमें लिखित है, ये लोग जांच कर ले कि क्या है। अगर जांच शुरू हुआ है, जांच शुरू हुई है, यहाँ का जो है वो विकास आयुक्त किशनगंज ने लिखा है अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूर्णियांचल पूर्णिया को कि क्या मामला है, जाँच हो,
जांच होनी चाहिए। आप लोग अब क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसकी सच्चाई जांच हो, पब्लिक का जो पैसा का पानी की तरह जो दुरुपयोग जल नल योजना में जो दुरुपयोग हुआ है उसकी सच्चाई हो, आम जनता का पैसा का जो दुरुपयोग हुआ है उसका हिसाब यह जनता चाहती है। ये जी आ रहे हैं कि इससे आप लोग मिलकर आग्रह करेंगे? आग्रह ही नहीं करेंगे, पूर्ण रूपे इससे आग्रह करेंगे। ये मामला है, मिल के इनको देंगे कि इसे देखा जाए। हुजूर की यह स्थिति है, आपके आंखों में धूल झोंका जा रहा है, एक पूर्ण रूपे गलत हुई है, ये सच्चाई यही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जांच करवा ले, जांच की मांग करें, जांच की मांग कर ले, जांच जांच हो जाए, हम कोई दिक्कत नहीं, अगर सही है तो देख ले आकर के। पानी कहीं नहीं मिलता है, अब देखा जाए नीरपुर पंचायत में, बिफनपुर में देखा जाए, कहीं जल नल योजना कहीं धरातल पर नहीं है। अभी तो फिर आ रहे हैं, बिहार के राजा आ रहे हैं, इसीलिए ये सब दिखाई रहा चहल पहल। पैसा को पानी की तरफ बहाया जा रहा है बिफनपुर पंचायत में, पहले बहाया नीरपुर अति गणेशपुर और काजा में, उसके बाद अब जो है फिर धमदा चले गए। जबकि यहाँ आयरन युक्त पानी है, आयरन मुक्त पानी चाहिए, आयरन युक्त पानी को आयरन मुक्त चाहिए पब्लिक को, लेकिन ये कहीं ऐसा नहीं है, अभी भी वही स्थिति है, वही पीला पानी आपको निकलता है। नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी काजा चौक पर भोला बाबा का मंदिर उस जगह उतर के देख ले, वहाँ पानी अभी निकलता है, पड्डे निकलता है, पब्लिक पीने के लायक नहीं है पानी। लेकिन व्यवस्था है पीने के लिए, क्या करेगा, विकल्प नहीं है। चापाकल भी बंद हो गया। क्या परिचय आपका? शंभू मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता है हम। कहाँ से? कसमरा से है, नीरपुर पंचायत है, धमदाह में बिफनपुर के बगल में, वहीं से हम हैं। हमने जब इस ढंग की भ्रष्टाचार हुई है तब तब हमने मुद्दा उठाया है, किसानों के भी मुद्दा हमने उठाया है, कि इंदिरा आवास का मुद्दा उठाया है, शौचालय का मुद्दा उठाया है, हर मुद्दे को हमने उठाया। सुनने वाला कौन है? इस पर सुनता नहीं है, दबा दिया जाता है पैसा के बल पर। सुशासन के राज में भी आप, सुशासन की राज है कहने क्या, कथनी और करनी में अंतर है, ये है नहीं, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता है।